गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हेयर हे महता मैम इज वंस अगेन विथ टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स वी आर डूइंग अवर फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम योर हॉर्नविल बुक एंड वी हैव कम्प्लीटेड इट्स पेज नंबर फोर्टी थ्री फोर्टी फोर एंड ऑल्सो वी हैव कम्प्लीटेड पेज नंबर फोर्टी फाइव तो बच्चे हमने तीन पेज इसके कम्प्लीट करे हैं तो अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर फोर्टी सिक्स से तो उससे पहले मैं थोड़ा सा जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी सो लेट लेटे स्टार्ट तो इसमें मैंने चैप्टर का जो नेम है आपका जो मेन टाइटल दिया गया है वो है आपका द एलिंग प्लानट तो एलिंग प्लानट का मीनिंग ही यही है आ, कि एक बीमार जिसे हम कहेंगे ना बीमार भी, प्लानट ठीक है तो बीमार प्लानट किसके लिए कहा है ये कहा गया है हमारे अर्थ के लिए ठीक है तो और यहाँ पे उन्होंने कहा कि द ग्रीन मूवमेंट्स रोल और जो ग्रीन मूवमेंट्स है उसका क्या रोल है तो कहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में जो हमारी हिस्ट्री है इसमें एक मूवमेंट हुआ था इंडियन हिस्ट्री मतलब तो एक हिस्ट्री की जैसे हम बात करें पूरे वर्ल्ड की कहते हैं एक मूवमेंट ऐसा आज तक कोई भी मूवमेंट जो है उसको याद नहीं रखा गया लेकिन एक ऐसा मूवमेंट है जिसको याद रखा गया है ठीक है जो अभी तक चल रहा है जिसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा वो मूवमेंट है ग्रीन मूवमेंट किसके रिलेटेड है वो अर्थ से रिलेटेड है कि अर्थ को हमने कैसे प्रिजर्व करके रखना है कैसे हमने इसको अर्थ को संभालना है तो उससे रिलेटेड ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था 1972 में और कहाँ पर हुआ था न्यूजीलैंड में देन उसके बाद कहते हैं कि हमें क्या करना है अपनी अर्थ को अच्छे से प्रिजर्व करना है और आहिस्त आहिस्ता इस मूवमेंट के बाद ही लोगों को ये समझ आई थी कि हमारी जो अर्थ है ठीक है वो हमारी क्या है एक एज अ पार्टनर है ठीक है पहले लोग क्या समझते थे कि हमारी अर्थ क्या है कि हमें इसने देना ही देना है इसके इसके लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो अर्थ के लिए अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते थे बट इस टाइम ये जो मूवमेंट चला इसके बाद लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि अर्थ के रिलेटेड भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसके ऊपर जो भी है वो हमें उसको प्रिजर्व करना तो कहते हैं कि उसके बाद मैंने इसमें बताया था आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो भी इससे इससे रिलेटेड ही एक कमीशन बना था जिसका नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ठीक है वो हुआ था 1987 में उसमें भी इसी से रिलेटेड कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करेंगे तो वो कमीशन बना था देन उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि जो जैम्बिया जो है लुकासा वहाँ पर एक जो ज़ू है लुकासा में एक ज़ू है तो वो क्या है वहाँ पर एक उन्होंने क्या किया हुआ है केज जो है वो बनाया हुआ है और केज के अंदर एक नोटिस उन्होंने लिखा हुआ है नोटिस लिखा हुआ है कि सबसे मोस्ट वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल तो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या लगाया हुआ बीच में एक मिरर लगाया हुआ है तो मिरर जो है वो कौन देखेगा ह्यूमन बींग ही देखेगा तो यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन बींग जो है वो मोस्ट वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल है क्यों डेंजरस एनिमल है क्यों क्योंकि इसने अपनी अर्थ को क्या किया है स्पॉयल किया है इसमें जितने भी जो चीज़ें होती हैं अर्थ पे इसने इसको स्पॉयल किया है इसलिए सबसे ज्यादा जो डेंजरस एनिमल है इस वर्ल्ड का वो कौन है मैन है ह्यूमन बींग है इसलिए उन्होंने वहाँ पे मिरर लगाया हुआ है ठीक है उस जू में जो जैम्बिया में लुकासा शहर है वहाँ पे एक जू है तो जू में उन्होंने एक नोटिस लिखा हुआ है प्लस वहाँ पे एक उन्होंने मिरर लगाया हुआ है उसके बाद आगे उन्होंने मतलब बताया था हमें कहते हैं कि एम मिस्टर एल के जो है वो के कहाँ के हैं जो एक कमीशन बना हुआ है ब्रांड कमीशन जो है बना हुआ है उसके वो मेंबर हैं एम वो इंडियन है मिस्टर एल के झा जो है इंडियन हैं और इस कमीशन के वो मेंबर हैं तो उन्होंने ये रिपोर्ट ये जो कमीशन है इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी इसी से रिलेटेड इन्वायरमेंट से रिलेटेड उन्होंने कहा था अपनी आवाज़ जैसे उठाते ना इन्वायरमेंट को लेके तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक आवाज़ उठाई थी तो वो क्या था कि आर वी टू लीव आवर सक्सेस आर स्कॉर्च प्लानट ऑफ एडवासिंग डेजर्ट्स इम्पॉवरिशिंग लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट. तो कहता है कि क्या हम अपने जो सक्सेसर हैं क्या हम उनके लिए एक एलिंग प्लानट को छोड़ के जाएंगे उनके लिए हम क्या छोड़ेंगे एक स्कॉस प्लानट जो है वो हम छोड़ के जाएंगे हमारा एलिंग एनवायरनमेंट हम छोड़ के जाएंगे तो ये उन्होंने मतलब एक अपनी आवाज़ उठाई थी कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे क्योंकि अगर सारी चीज़ें हमने ही खत्म कर दी सारी चीज़ें हमने ही स्पॉइल कर ली तो हम उनके लिए क्या बचा रहे हैं ये हमने इसमें पढ़ा था देन उसके बाद मैंने आपको जो बताया था इसमें मेन कि एक जो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन जो हैं उन्होंने अपनी बुक एक लिखी थी बुक में उन्होंने एक बुक का नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट उसमें उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे इन्वायरमेंट को लेकर तो उन्होंने कहा था जो हमारी अर्थ है इसके फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है ये किसकी रिपोर्ट थी ये मिस्टर लैस्टर आर ब्राउन जो है उन्होंने अपनी बुक में लिखा था तो उन्होंने फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बताए थे हमारी अर्थ के कौन कौन से हैं फिशरिंग फॉरेस्ट ग्रास लैंड एंड क्रॉप लैंड तो फिशरिंग के लिए उसने क्या बताया था कहता है कि ये जो चीज़ें हैं अब ये चीज़ें सारी क्या होती जा रही हैं स्पॉइल होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्लाइन होती जा रही हैं उन्होंने ये चीज़ बताई थी अपनी रिपोर्ट में कहते हैं जो फिशरीज़ हैं लोग क्या है प्रोटीन के लिए फिशरीज को मैक्सिमम जो है उसका यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए फिशरीज जो है वो ख़त्म हो रही है देन उसके बाद उसने कहा कि जो फॉरेस्ट है तो पूरा लोग जो है वो वुड कलेक्ट करने के लिए वो वूसरे मतलब चीज़ों के लिए फॉरेस्ट का यूज़ करें इसलिए जो फॉरेस्ट हैं वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं ठीक है डिक्रीज़ होते जा रहे हैं देन उसके बाद उसने कहा कि जो क्रॉप लैंड है क्रॉप लैंड को भी डिटोरेट हैं उसको भी ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद जो हमारी आ, लास्ट उसमें ग्रास लैंड है तो ग्रास लैंड भी जो है वो बेस्ट लैंड बन गई है तो उस पर भी कोई चीज़ नहीं हो रही तो बिल्कुल बंजर बन रही है तो कहते हैं इस तरह से हमारा जो मतलब उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया था कि इस तरह से हमारी जो मतलब अर्थ है वो ख़त्म होती जा रही है और फिर मैंने इसमें हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल इंडिया के इंडिया में इस, मतलब किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है इन्वामेंट को बचाने के लिए तो कहता है कि इंडियन में एक आर्टिकल बना हुआ है आर्टिकल फोर्टी एट ए ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आर्टिकल है इसमें क्या बताया गया है इसमें बताया गया है कि हम अपनी अर्थ जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है उसे हम क्या करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे हम अपने फॉरेस्ट अपनी वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करेंगे ये कौन से आर्टिकल में बना हुआ है फोर्टी एट ए इंडिया के फोर्टी एट आर्टिकल में ये चीज बनाई गई है तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमारी फॉरेस्ट हमारी वाइल्ड लाइफ जो है उसको हमने सेफ करना है तो कहता है कि हमारे इंडिया में अब ये यहाँ पे बता रहे हैं ऑथर बता रहे हैं कि हमारे इंडिया में आर्टिकल तो बन जाता है बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता ठीक है वो फोर्स में नहीं आता मतलब बना दिया जाता है लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं करता क्यों क्योंकि हमारे इंडिया के जो कानून है हमारे इंडिया के जो लॉज हैं वो इसके ऊपर प्रॉपरली काम नहीं करते कहते जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दी हुई है कहते है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो बना दिया था ला कि यहाँ हमने किसको करना है हमने कास्टिज्म अनटचेबिलिटी हम बॉन्डेड लेबर जो है उसको हमने खत्म करना है कहता लेकिन शेमलेसली ये अभी भी स्टिल यहाँ पे है ये जो चीज़ें हैं ये अभी भी स्टिल है तो हमारी इंडिया किस तरह से काम करेगी देन उसने उसके बाद उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी रिपोर्ट में क्या था उसके अकॉर्डिंग जो डेटा उन्होंने निकाला था तो डेटा के अकॉर्डिंग क्या था कि थ्री पॉइंट सेवन मिलियन एकर्स अ ईयर जो हमारा फॉरेस्ट है वो क्या होता जा रहा है लॉसिंग होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है ठीक है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि थ्री पॉइंट सेवन मिलियन एकर्स जो है एक ईयर में हमारा फॉरेस्ट जो है वो क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है लेकिन कहता है कि हमारी ये जो ऑफिशियल रिपोर्ट इन्होंने दी है ये रिपोर्ट भी गलत होती है जो हमारी रिपोर्ट दी जाती है वो रिपोर्ट गलत होती है इससे एट फोल्ड जो है ना एट टाइम्स कहते हैं इससे ज़्यादा हमारी जो फॉरेस्ट है वो कम होते जा रहे हैं बट इन्होंने रिपोर्ट में इतना शो करते हैं कहते हैं देखो हमारे इंडिया का काम भी उन्होंने बताया कि किस तरह से नुकसान ज़्यादा होता है बट बत वो बताते कम है उसके बाद उन्होंने कहा कि थ्री ईयर स्टडी कह रहे हैं थ्री ईयर्स थ्री ईयर स्टडी यूजिंग सेटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन वन द इन्वायरमेंट हैजटोरिएटेड सो बैडली डैट इज क्रिटिकल्स इन मैनी ऑफ द एटी एट कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड तो कहते हैं कि जो सेटेलाइट के थ्रू फोटोग्राफी एरियल फोटोग्राफी के थ्रू यूनाइटेड नेशन ने एक डेटा जो है उसको निकाला एक रिपोर्ट अपनी निकाली है इन्वायरमेंट को लेकर के हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है डिटोरीट हो रहा है सो बैडली कहाँ पे 88 कंट्रीज में ठीक है वहाँ के इन्वायरमेंट की जो रिपोर्ट है कहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिटिकल है देन उसके बाद जो हमने आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था आगे देखो कहते हैं देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कहते इट टुक मैन काइंड मोर देन मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट विलियंस डेट वॉज वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द 1800. By the 1900, the second एटीन was, <coughs> was added. The and the 20th century has added another 3.7 पॉइंटेंट The present world population is estimated at 5.7 billion. Every four days, the world population increases by one million. देखिए अब उसने क्या कहा कहता है ये जो हमारी अर्थ जो है इतनी स्पॉयल हो रही है इतनी ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉयड uh, हो रही है तो उसका रीजन क्या है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो भी डिस्ट्रॉयड होती जा रही है कहता है यही मेन फैक्टर है इसका जो मेन मतलब जिसकी वजह से हो रहा है सबसे स्ट्रांगेस्ट अगर हम कहें फैक्टर तो यही है कि ग्रोथ बढ़ रही है उसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो क्या हो रही है स्पॉइल हो रही है कहता है कि जैसे एग्जाम्पल इसने यहाँ पे दी है कहते हैं कि इट टुक मैन काइंड मोर देन मिलियन ईयर्स टू रीच द वन फर्स्ट मिलियन कहता है बहुत साल बहुत मिलियन ईयर्स लगे थे हमारी जो पॉपुलेशन है उसको फर्स्ट बिलियन तक पहुंचने के लिए मतलब एक बिलियन पहुंचने के लिए बहुत सारे मिलियंस ईयर्स लगे थे कब की बात है ये 1800 हंड्रेड ईयर्स की बात है ठीक है तब तक 1800 हंड्रेड ईयर्स तक हमारी जो जनरेशन है उसको फर्स्ट बिलियन बनने के लिए बहुत सारे मिलियन ईयर्स लगे थे कहते लेकिन जब नाइनटीन की बात आई तो इसमें एक और मिलियन एड हो गया देखिए ना 1800 हंड्रेड से जब 1900 आया तो उसमें एक बिलियन और ऐड आ गया ऐसे कितने मिलियंस लगे थे 18 वो वन बन विलियन बनने के लिए लेकिन इसमें क्या हुआ कितनी जल्दी से प्रोग्रेस होती गई तो कहता है अब ट्वेंटी सेंचुरी चल रहा है तो ट्वेंटी सेंचुरी में ये कितनी होगी है थ्री पॉइंट सेवन पॉपुलेशन होगी है पूरे वर्ल्ड की कह सॉरी हाँ ट्वेंटियथ सेंचुरी कहता uh, है अगर हम अब का द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर हम देखें तो वो कितनी है फाइव पॉइंट सेवन बिलियन है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है तो कहता है कि हर एक फोर डेज़ में जो वन मिलियन पॉपुलेशन जो है हर चार दिन में एक बिलियन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है पूरे वर्ल्ड की नेक्स्ट वो कहता है कि फर्टिलिटी फॉल्स ऑन इनकम राइज एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इम्प्रूव दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिक वट डेवलपमेंट इट सेल्फ मेड नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यू कहता है कि फर्टिलिटी फॉल्स आर इंक्रीज फर्टिलिटी जो है वो फॉल्स होगी अगर इनकम जो है बढ़ेगी एजुकेशन बढ़ेगी ठीक है उसके बाद uh, सब हेल्थ जो है वो बढ़ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भी क्या होगी खत्म uh, कम होती जाएंगी कहता है डेवलपमेंट जो है वो बहुत जरूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है तो डेवलपमेंट हमें करनी पड़ेगी कहता है लेकिन क्या होगा कि डेवलपमेंट भी पॉसिबल uh, नहीं होगी अगर हमारी क्या होती जाएगी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो फिर हम लोग डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे आई कहता है कि द रीचर गर्ट्स रिचर एंड द पुअर वीट्स चिल्ड्रंस विच कंडेमडम टू रिमेन पुअर मोर चिल्ड्रंस ड मीन मोर वर्कर्स मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क इट इज नॉट सजेस्टेड एट द ह्यूमन बींग beings is treated with like cattle and the compulsory sterilized, sterilized but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of the corrections the choice is really between control of the populations and perpetuations of poverty देखिए अब वो क्या कह रहे हैं कहता है कि अब जो जो एजुकेशन का असर पड़ रहा है इसकी वजह से जो रिचर हैं वो और रिचर हो रहे हैं जो पुअर हैं वो और मतलब बच्चों को जन्म देते जा रहे हैं इसकी वजह से उनकी जो मतलब वो पुअर ही रह रहे हैं उनकी पॉवर्टी जो है वो दूर नहीं हो रही कहते हैं कैसे वो हो रहा है क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन है उनको पता है कि हमने कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है हमने कैसे आगे चलना है ठीक है तो वो तो अब मतलब रिच होते जा रहे हैं जो रिच पर्सन है लेकिन जो पुअर होते हैं उनके पास ना ही इतना सोर्स होता है ना ही इनकी इनकम होती है ना ही इतनी नॉलेज होती है कि हमने कैसे आगे चलना है तो वो फिर मतलब मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं आते जाते हैं उनकी फैमिली में तो फिर वो कहते हैं इसी वजह से जो पुअर होते हैं वो और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं तो कहते हैं मोर चिल्ड्रन का मतलब ये नहीं है कि मोर क्या होंगे वर्कर होंगे ठीक है मोर पीपल का मतलब कभी भी ये नहीं है कि मोर क्या होंगे वर्कर होंगे तो इससे हमारे जो मतलब पॉवर्टी है वो कम हो जाएगी कहते हैं इस तरह से नहीं होगा और हमें यह भी नहीं करना कि हमें कंपल्सरी मतलब कि यह काम करना ही करना किसी की चीज़ के ऊपर थोपना है कि आपको ये काम नहीं करना इतने बच्चे नहीं हो जाए कहते है, इस तरह से नहीं करना बट हमें उनको इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो वॉलेंट्री आए आगे और फैमिली प्लानिंग जो है उसको देखें कि किस तरह से हमें अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है वो खुद आगे आएँ हमें इस तरह से उन लोगों को मोटिवेट करना है इस तरह से हमें उन लोगों को समझाना है तो कहते हैं कि फिर क्या होगा फिर पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल हो सकता है

कहता है ये जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो है उन दोनों की पॉपुलेशन को भी अगर मिलाया जाए तो उससे भी ज़्यादा हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है तो कहता है कि इससे क्या होगी हमारी इंडिया की कंडीशन क्या होगी आप भी मतलब इस चीज़ को समझ सकते हो कि कैसी इसकी कंडीशन होगी तो कहते हैं इससे हंग्री ही होगी इसलिए कंट्रोल करना पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है जब तक हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आगे कुछ नहीं हो पाएगा Next book for the first times in the human history, we see a transcending concern the survival not just of the people's but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environment, the environmental problems, does not necessarily signal and devices, it is our password for the future. The emergency new world visions has assured. इन द एरा ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोनॉमिकली व्यू सींग दर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन डिसोसिएटेड कलेक्शंस ऑफ पार्ट्स अब देखिए उन्होंने क्या कहा कहता कि फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में ये चीज़ आई है कि लोग थोड़े से इसके लिए अवेयर हुए हैं अवेयर इसलिए कि अब उनको, उनको ये पता है कि सिर्फ पीपल को ही सर्वाइव नहीं करना इवन कि प्लानट जो है उसको भी हमें सर्वाइव करना है उसको भी हमने बचा के रखना है कहता है ये जो व्यूज़ हैं ये ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तो अगर हम कहें कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो है ये क्या है सिग्नल है हमारी डिमाइस का कहता है इससे हम तो नहीं मरेंगे क्योंकि इतना इन्वायरमेंट अभी है कि हम लोग जो है इसमें सर्वाइव कर सकते हैं बट कहता है कि ये हमें एज अ पासवर्ड जो होता है ना फ्यूचर का पासवर्ड पासवर्ड पासपोर्ट तो उसकी तरह हमें इसको यूज़ करना है क्यों क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए इसको बचा के रखनी है इसलिए हमें अपनी इन्वायरमेंट जो है उसको ठीक रखना है तो कहता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें अपने वर्ल्ड को जो है वो देखना है और हमें सभी को इंटीग्रेटेड होना है हमें डिसएसोसिएटेड नहीं होना सभी को मिल के हमें काम करना है तभी हम अपने जो इन्वायरमेंट है उसको हम बचा सकते हैं आगे वो कहता है कि जो इंडस्ट्री है वो इसमें टॉप मोल मोस्ट मतलब इसमें रोल प्ले करती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ठीक है इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे इसको इन्वायरमेंट uh, को बचाने के लिए तो कहता है कि सबसे पहले एक जो चेयरमैन है उन्होंने अपने आप को उनका यहा यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन जो हैं वो पढ़ेंगे तो कहते हैं जो चेयरमैन है इंडस्ट्रीज के उसने अपना यहाँ पे बताया हुआ उनका नाम है डू पॉइंट मिस्टर एडजर एस वर्लर्ड ठीक है उन्होंने कहा क्या कहा है उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है वो एक बिजनेस है इंडस्ट्रीज लिस्ट हैं वो उन्होंने अपने आप को उसने क्या कहा कि मैं चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर हूँ उसने अपने आप को चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर क्यों कहा है क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री आए तो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रोल होता है तो वो अपने आप को चीफ इन्वायरमेंट ऑफिसर भी कह रहा है क्यों क्योंकि उसको इन्वायरमेंट को बचाना है उसने कहा कि ही सेट आवर कंटिन्यू एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग रिक्वायर्ड वी हैव एक्सल इन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस तो कहते हैं अगर हमें अपना मैन्युफैक्चर जो है उसको बढ़ाना है तो हमें जरूरत होगी कि हम इन्वायरमेंटल जो है उसको बचाने में भी अपना रोल अच्छे से प्ले करें उसमें भी हम अच्छा काम करें फिर उसके बाद इसमें मार्गरेट थैचर जो है उनकी स्टेटमेंट इसमें आई है उन तो वो भी प्र, मतलब प्राइम इसमें मिनिस्टरशिप थी उनकी इस, इसमें उसका भी इसमें रोल है काफ़ी ज़्यादा तो उन्होंने भी क्या कहा कि हमें अपनी अर्थ जो है उसको बचा के रखना है जनरेशन के लिए तो ये भी उनके अकॉर्डिंग ये व्यूज उस थे उसके बाद थर्ड अगर इसमें बताया गया है मिस्टर लेस्टर ब्राउन जो है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि हम अर्थ पे क्या है एक जैसे होता ना कि किराएदार हैं ठीक है ठीके? हमने अपने बच्चों से उधार लिए हुए हम ये नहीं कि हमें ये विरासत में मिली है जिस अर्थ पर हम आए हैं ये हमारी विरासत नहीं है इवन कि ये हमें क्या है ये हमें अपने बच्चों से उधार मिली हुई है मतलब जो हमारे आने वाले हैं तो उ, उ, उनकी ये मतलब वो है अर्थ है उन्हें हमें उन्होंने हमें इसको उधार दिया है उन्होंने हमें रहने के लिए यहाँ पे दी हुई है इसलिए हमें आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए इसको बचाना चाहिए अर्थ को बचाना चाहिए तो मेरा ये आपका चैप्टर था ठीक है तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड था आपकी अर्थ से रिलेटेड था, था कि कैसे हमारी अर्थ जो है वो कैसे मतलब एलिंग होती जा रही है कैसे वो एक पेशेंट बनती जा रही है तो हमें अपनी अर्थ को कैसे बचाना है तो पहले उसने बताया कि हम अर्थ के बारे में कुछ भी नहीं समझते थे कुछ भी नहीं सोचते थे लेकिन अब हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया जब टाइम के साथ साथ जहाँ पे रेवोल्यूशनस होने लगी जब मूवमेंट होने लगे फिर पता चला कि हमें अर्थ को जो है उसको भी बचा के रखना है तो फिर उसके लिए मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट किया था फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमें पूरे हमें रिकार्ड दिया गया कि कहाँ कहाँ पर कैसे अर्थ जो है वो यूज़ की जाए कैसे फॉरेस्ट जो है वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं तो वो चीज़ें इसने हमें बताई ठीक है तो फिर इसमें लास्ट में कुछ डेफिनेशन हैं कुछ व्यूज़ हैं जो पॉइट्स हैं मतलब जो राइटर्स हैं फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके यहाँ पर कुछ व्यूज़ दिए हैं कि कैसे हमने अपने अर्थ को सेव करना है ठीक है उनके मतलब उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं इस अर्थ से रिलेटेड तो बच्चे ये आपका चैप्टर आई कम्प्लीट हुआ है इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करने हैं टेक्शल क्वेश्चंस आप सारे इसके करोगे वो आपको करने हैं उसके बाद इसके आपको आ गया कि आपने क्या करना है इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन मतलब जो हो गए शॉट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको खुद करने पड़ेंगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चन बच्चे आप खुद कर लेना ठीक है वो आपको खुद करने पड़ेंगे सो so, बेटा आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ तो नेक्स्ट लेक्चर तो अब होगा तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम उसको स्टार्ट करेंगे सो थैंक यू बच्चे थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे